नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लासिक 350 सेगमेंट की सबसे सस्ती मोटरसाइकिल के बारे में, जो है दोस्तों रेडिच। और रेडिच सीरीज में आपको दो कलर देखने को मिलते हैं, रेडिच रेड और रेडिच ग्रे। दोनों ही बाइक जो है वो मेरे पीछे खड़े हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसका लेटेस्ट प्राइस, इसके फीचर्स और कंपनी क्या ऑफर दे रही है, और आपको ये बाइक लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, सारी बातें करेंगे। दोस्तों मेरा नाम है संदीप कैंत, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल देसी राइडिंग व्हील्स। तो स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग वीडियो। हाँ तो दोस्तों आप देख सकते हो बाइक्स आपके सामने खड़ी हैं। ये है रेडिच सीरीज की रेडिच रेड और रेडिच ग्रे कलर। दोनों ही जो कलर हैं वो बहुत ही प्यारे हैं, आप देख सकते हो। वैसे तो जो इनका बेस है ये आपको ब्लैक देखने को मिलता है, सिर्फ आपको फ्यूल टैंक का डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे कि ये है रेडिच ग्रे, इसमें आपको ग्रे कलर का फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा। ये है रेडिच रेड, इसमें आपको रेड कलर का फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा। बाकी जो पार्ट्स है जैसे मडगार्ड हो गया, साइड बॉक्सेस हो गए, ये आपको ब्लैक कलर के अंदर ही देखने को मिलेंगे। और कुछ पार्ट्स आपको क्रोम के अंदर देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे इसके मिरर है या हैंडल बार है या ये कैप्स वगैरह है। दोस्तों ये रॉयल एनफील्ड की जो क्लासिक सीरीज है सबसे सस्ती मोटरसाइकिल है इनमें, और ये बाइक आपको सिंगल चैनल ABS में मिलती है। सबसे पहले हम फीचर्स की बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे इनके व्हील की, तो आपको ये बाइक स्पोक व्हील के अंदर मिलती है। इसमें आपको जो स्पोक्स हैं ये ब्लैक कलर के अंदर देखने को मिलेंगे। ये आपको सिंगल चैनल ABS में मिलती है। इसमें जो फ्रंट ब्रेक है ये आपको 300 mm की मिलेगी, और बाइब्री के आपको इसके अंदर कैलिपर मिलेंगे। इसका जो टायर साइज है ये आपको 190 का 19 inches का मिलेगा, और ये आपको ट्यूब टाइप टायर के अंदर देखने को मिलेगी। टेलीस्कोपिक आपको इसके अंदर सस्पेंशन मिलेंगे, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाएंगे, और सस्पेंशन कवर आपको ब्लैक कलर के अंदर मिलेंगे। मडगार्ड आपको यहाँ पे ब्लैक कलर के अंदर मिलेगा ग्लॉसी के अंदर, और आपको मेटल का मडगार्ड देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो जो हेडलाइट है ये आपको हैलोजन बल्ब टाइप देखने को मिलेगी। इसके ऊपर आपको कैप मिल जाएगी, क्रोमिंग मिल जाएगी। यहाँ पे पायलट लैंप की बात करूँ तो आपको इसकी आउटिंग भी क्रोम के अंदर मिलेगी, और बल्ब टाइप आपको यहाँ पे पायलट लैंप मिलेंगे। इंडिकेटर भी आपको क्रोम के अंदर देखने को मिलेंगे। फ्रंट ग्लास आपको ऑरेंज कलर के अंदर देखने को मिलेगा। और मिरर की बात करूं आपको तो यहां पे क्रोम के अंदर मिलेंगे आपको फ्याम के मिरर, और हैंडल बार जो है ये आपको क्रोम के अंदर देखने को मिलेगा। रोटरी स्विचेस देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको हॉर्न का स्विच, इंडिकेटर स्विच, हाई बीम, लो बीम, पास आई बटन मिलेगा, USB पोर्ट मिलेगा, और यहाँ पर इंजन किल का और इंजन स्टार्ट का बटन मिलेगा, और यहाँ पर आपको हेजार्ड का बटन भी मिलेगा। और की जो है ये आपको मॉडर्न मिलेगी, और डिजी एनालॉग मीटर मिलेगा, जिसमें आपको 160 तक की स्पीड मिलेगी। यहाँ पे बैटरी, ABS, इंजन मैल फंक्शन, रिजर्व इंडिकेशन और न्यूट्रल इंडिकेशन। डिटेल मीटर के अंदर आपको फ्यूल इंडिकेशन, ट्रिप ए, ट्रिप बी, ट्रिप एफ और इको मोड की इंडिकेशन देखने को मिलेगी। ये जो स्लॉट है ये नेविगेशन के लिए है, और नेविगेशन आप इस बाइक के अंदर नहीं लगवा सकते, सिंगल चैनल ABS में ये ऑप्शन कंपनी ने नहीं दी दोस्तों। और बात करूँ यहाँ पर मैं फ्यूल टैंक की, तो आपको 13 liter का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। इसमें आपको क्रोम का कैप मिलेगा, E20 की बैजिंग मिलेगी, आप 20% इथेनॉल वाला फ्यूल इसके अंदर डलवा सकते हो। और यहाँ पे रॉयल एनफील्ड का जो लोगो है ये आपको ब्लैक कलर के अंदर मिलेगा 3D के अंदर। स्प्लिट सीट के अंदर आपको बाइक मिलेगी, और आपको ब्लैक कलर के अंदर सीट मिलेगी दोस्तों, और बहुत अच्छी कुशनिंग मिलती है। रेयर जो ग्रैब रेल है आपको ब्लैक कलर के अंदर मिलेगी मेटल के अंदर, और रेयर सीट जो है ये आप रिमूव भी कर सकते हो, सिंगल सीट कर सकते हो, काफ़ी अच्छी लुक आती है दोस्तों। मडगार्ड की बात करूँ तो यहाँ पे आपको रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग मिल जाती है स्टिकर के साथ, आपको वाइट कलर के अंदर, और मेटल का मडगार्ड है। रेयर टेल लाइट आपको बल्ब टाइप ही देखने को मिलेगी, और राउंड शेप के अंदर इसकी टेल लाइट मिलेगी, और यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारी क्रोमिंग देखने को मिलेगी। रेयर सस्पेंशन की बात करूँ तो आपको 6-way एडजस्टेबल मिल जाते हैं, और यहाँ पर दोस्तों क्रोम के अंदर सस्पेंशन मिलेंगे, यहाँ पर ड्यूल सस्पेंशन है। और रेयर टायर की बात करो तो 120/80 का 18 inches का काफ़ी चौड़ा टायर मिलता है, और रेयर ब्रेक आपको ड्रम के अंदर देखने को मिलती है, और यहाँ पे फुट पैक्स आपको काफ़ी चौड़े मिल रहे हैं। साइड बॉक्स आपको मेटल के अंदर ही मिलेगा। सिर्फ दोस्तों दो पार्ट छोड़ के पूरी बाइक आपको मेटल की मिलती है। वो दो पार्ट हैं यहाँ पर साइड बॉक्स का जो बैक साइड है ये वाला पार्ट, और यहाँ पर दोस्तों जो चेन कवर है ये आपको प्लास्टिक का मिलता है। अदरवाइज सारी बाइक आपको मेटल के अंदर देखने को मिलती है। साड़ी गार्ड भी आपको इसके अंदर मिल जाता है, लेडीज़ के पैर रखने के लिए भी आपको इसके अंदर मिल रहा है। और दोस्तों मेनली अगर मैं बात करूं यहाँ पे इंजन की, तो आपको क्रोम के अंदर इंजन देखने को मिलता है। ये पार्ट क्रोम का है, यहाँ पे सिल्वर, ब्लैक, क्रोम, सिल्वर, और यहाँ पे भी क्रोम दोस्तों।
J1 सीरीज का इंजन है, 20.2 की BHP है, 27 न्यूटन मीटर की इसकी टॉर्क है, EFI इंजन है और 200 एयर कूल्ड इंजन आपको इसके अंदर देखने को मिलता है और वाइब्रेशन इसमें ना के बराबर है, इसमें वाइब्रेशन वगैरह बिल्कुल नहीं है। 35 टू 40 आपको माइलेज इजीली मिल जाती है। 5 स्पीड गियर बॉक्स के अंदर आपको बाइक मिलता है। साइड स्टैंड भी आपको क्रोम के अंदर देखने को मिलेगा, सेंटर स्टैंड आपको ब्लैक कलर के अंदर देखने को मिलेगा और दोस्तों चेसिस जो है ये आपको ब्लैक कलर के अंदर मिलेगी और ट्विन डाउन ट्यूब चेसिस आपको इसके अंदर मिलती है और काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी देती है दोस्तों ये बाइक। दोस्तों अब बात करते हैं इसकी एग्जॉस्ट की, तो आपको क्रोम के अंदर इसका एग्जॉस्ट देखने को मिलता है और एग्जॉस्ट नोड जो है वो बहुत ही कमाल का है, बिकॉज इसमें J1 सीरीज का इंजन है, थंप कंपनी ने अभी भी मेंटेन करके रखा हुआ है। तो आपको एक बार मैं एग्जॉस्ट नोड सुनाता हूँ कि कैसा है। ये देखिए दोस्तों बहुत ही जबरदस्त एग्जॉस्ट नोट आता है दोस्तों, ये कंपनी फिटेड एग्जॉस्ट है, आप देखो इसका थंप देखो कंपनी ने मेंटेन करके रखा हुआ है। अरे दोस्तों ये तो थे बाइक के फीचर्स और दोस्तों अगर मैं सीट हाइट की बात करूं तो 805 mm सीट हाइट है, बाइक का वेट 195 kg है, बाइक की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 170 mm के आसपास आपको मिल जाती है और दोस्तों ये सबसे सस्ता मोटरसाइकिल है क्लासिक सीरीज के अंदर। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो इसका जो एक्शोरूम प्राइस है लुधियाना के अंदर वो है 1,93,080 रुपये और दोस्तों ऑन रोड पड़ता है लगभग 2,24,000 रुपये, जिसके अंदर कंपनी आपको एक हेलमेट फ्री दे रही है, 1 साल का रोड साइड असिस्टेंस दे रही है, 3 साल 30,000 किलोमीटर की वारंटी मिल रही है और 4 सर्विसेज की लेबर आपको साथ में फ्री मिल रही है दोस्तों। और बहुत ही कम डाउन पेमेंट में आप ये बाइक बाय कर सकते हो। अगर डाउन पेमेंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं डीलरशिप के नंबर शेयर कर रहा हूँ नीचे, आप इनसे बात कर सकते हो। अदरवाइज जो भी आपकी सिटी में डीलरशिप है आप उनसे बात कर सकते हो। बहुत ही कम डाउन पेमेंट में स्कीम चल रही है दोस्तों और आपको पता ही है यार क्लासिक का कोई मुकाबला नहीं है। ये जो लुक है ना दोस्तों ये अलग है, आप देख सकते हो यार बहुत ही ज़बरदस्त लुक आती है इस बाइक की दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप बाइक प्लान कर रहे हो और आपका बजट कम है तो मुझे लगता है रेडी सीरीज आपके लिए परफेक्ट चॉइस है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय, टेक केयर और दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, बिकॉज आपके लाइक के साथ वीडियो की रीच जो है वो बढ़ती है और नए नए जो कंटेंट है वो लेके आने का मन करता है दोस्तों। चलो फिर बाय, टेक केयर।